Hi friends, I'm Anupriya. Welcome to the session. It's tense time. Okay, tense means not tension. Very easy session because हम आज ले रहे present continuous tense. Yes, ये present tense का एक part है. Definitely चार होते हैं. तो हम सीख रहे हैं आज present continuous tense. So grammar में ये क्या कहते हैं? Generally basic सा description ले लेते हैं कि present continuous tense जो होता है वो कोई काम जो regular हो रहा है या चल रहा है उसको इट्स नॉट लाइक कि रहा है रही से ही हम इसको डिस्क्राइब करते हैं बट एक बड़ा बेसिक सा है कि जो रेगुलर काम किया जा रहा है वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज होता है. सो ओके क्या यहाँ पर अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि जो करंट में है एट प्रेजेंट है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको पढ़ाती हूँ वो करती हूँ मैं, आई रिपीट दैट वर्क, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ पॉइंट ऑफ टाइम जो एग्जैक्ट अभी हो रहा है वो टाइम का जो फ्रेम होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. ग्रामर देखते हैं क्या बोलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में. ओके, किसी भी टेंस में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे बनाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सेक्शंस हैं यहाँ पर. कोई भी सेंटेंस पहले स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से. इट मींस कि हम एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, राइट? सो सब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं, प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है. सिंगुलर जो नंबर में एक होता है, प्लूरल जो एक से ज्यादा होता है. तो यहाँ पर क्या है, आई वी यू दे, ये चार प्लूरल सब्जेक्ट है. अब आप सोचोगे कि आई एंड यू तो सिंगल है बिकॉज इसमें एक के बारे में बात हो रही है, लेकिन इनको आई हैव किप्ट अ स्टार हियर. इनको हमने इस सेगमेंट में इसलिए रखा है क्योंकि आई एंड यू के साथ हम वही वर्ब यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ये सेम ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको इस सेगमेंट में रखा गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ यूज हो रहा है एम एंड यू के साथ यूज हो रहा है आर. आई इज ऑल्सो एक्सेप्शन, आई के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं एम, एम इज एन ऑब्जेक्टिव. आई एम फाइन, मैं ठीक हूं. सो हम क्या यूज करते हैं, आई एम. अब बढ़ते आगे, सब्जेक्ट क्या है, आई है. ये एक पॉजिटिव सा सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम टीचिंग इंग्लिश. अब यहां पर आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव वर्ब एम यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. जो एक्शन हो ये मेन वर्ब होता है, उसके तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, राइट होता है उसमें, उसको हम कर देंगे राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी. स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा मोर प्रैक्टिस के साथ, कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एड कर रहे हैं तो जैसे इसमें आई ई रिमूव हो गया, राइट होता तो डब्ल्यू आर आई टी होता. तो ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा. आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट, तो वो एट प्रेजेंट में लिख रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं. तो टीचिंग, राइटिंग, वॉकिंग, डूइंग, मतलब एकदम पॉइंट ऑफ द टाइम वो काम होगा. सो आई एम राइटिंग अ लेटर. नेक्स्ट सब्जेक्ट है वी, प्लूरल है, एक से ज्यादा है हम. सो वी ये नेगेटिव सेंटेंस है, राइट, हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं. सो वी के बाद क्या आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, दैट इज आर. वी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्लूरल जो वी है उसके साथ हम यूज करते हैं आर. फिर हम यूज कर रहे हैं नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, वी आर नॉट. देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले प्लस आई एन जी, वी आर नॉट प्लेइंग व्हाट, हॉकी, दैट इज द एंड ऑफ द सेंटेंस. वो क्या है, हॉकी, हम हॉकी नहीं खेल रहे. आप हॉकी खेल रहे हैं, नहीं, हम हॉकी नहीं खेल रहे. सो वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, राइट. यू सिंगल है नंबर में, लेकिन क्योंकि इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आर, जो कि अगेन हमारा क्या है, वो वर्ब है जो कि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हो. तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, मींस कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो आर आ रहा है हेड ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, दैट इज आर. आर यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज आर यू लीविंग टूडे, लीव प्लस आई एन जी, आर यू लीविंग टूडे. सो दैट्स द
राइट सेंटेंस कि क्या आप अभी निकल रहे हैं, क्या आप अभी जा रहे हैं, सो आर यू लिविंग टूडे. ओके दे प्लूरल सब्जेक्ट है, नंबर में एक से ज्यादा है. वे एंड दे अराइविंग एट द वेन्यू, वेन्यू जहां पर कोई एक फंक्शन होता है उस प्लेस को वेन्यू कहते हैं. सो या फिर वो कोई एक पर्टिकुलर जगह जहां पर कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है. सो क्या वो वेन्यू पर नहीं पहुंच रहे हैं, अगेन ये पॉइंट ऑफ द टाइम, प्रेजेंट पॉइंट ऑफ द टाइम को शो कर रहा है. सो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स की क्वेश्चन पूछना, लेकिन नेगेटिव सेंस में पूछना, जब हम ऐसा सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वो कैसे करते हैं. आई एम दे अराइविंग एट द वेन्यू, पहले आ रहा है आपका सेम चीज. इंट्रोगेटिव में क्या आता है, क्वेश्चन पूछने में क्या आता है, ऑब्जर्वेटिव वर्ब हेड ऑफ द सेंटेंस आता है. लेकिन जब हम नेगेटिव ऐड कर दे रहे हैं तो उसके बाद ठीक बात हम नॉट ऐड कर रहे हैं, एंड देन आ रहा है आपका सब्जेक्ट. सेम फॉर्मेट यूज हो रहा है जो कि ऊपर लिखा है. सब्जेक्ट आ रहा है विच इज दे, प्लूरल है, एंड अराइविंग, अराइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, अराइविंग एट द वेन्यू. आई एम दे अराइविंग एट द वेन्यू. ओके अब हम लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट. सेंटेंस में उन सब्जेक्ट के बारे में बात करना जो कि सिंगल है, नंबर में एक है. वो क्या है, ही शी इट एंड रमा. सो ही के साथ अब सिंगुलर में क्या वर्ब यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, राइट. जैसे प्लूरल में हमने यूज किया था आर, आई के साथ हम एम यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्सेप्शनल, कीप इट साइड. लेकिन हम सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज कर रहे हैं, इज यूज कर रहे हैं. सो ही is first form of the verb, ing हर उसमें यूज हो रहा है फॉर्मेट में, sing plus ing, first form of the verb is sing plus ing, he is singing a song, that is the object of the sentence which is in the last, ठीक है. okay, she negative sentence बनाते हैं, she, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा auxiliary verb आ रहा है जो कि is है. क्यों है, क्योंकि यहाँ पर she single है, एक पर्सन है. शी इज उसके इमीडिएटली बाद में आएगा, नॉट प्लस प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. प्रिपेयर हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें जब हमने आई एन जी एड कर दिया तो दैट बिकम्स प्रिपेयरिंग. सो शी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. नेक्स्ट है इट. इट हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए विच इज नॉट लाइक. सो इट, इसको हम कैसे बना रहे हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इज इट वर्किंग प्रॉपरली, आई हैव अ मार्कर, मैं इसे लिख रही हूं लेकिन ये ठीक नहीं चल रहा है. तो मैं किसी से पूछ रही हूँ कि क्या ये सही चल रहा है, यानी क्या ये सही काम कर रहा है. इज इट वर्किंग प्रॉपरली, राइट. तो हम यहां पर सिंगुलर सेंटेंस में भी वही यूज करते हैं जैसे हमने आर पहले रख दिया था. यहां पर इस को हम सब्जेक्ट के पहले रख रहे हैं, हेड ऑफ द सेंटेंस रख रहे हैं, और उसके इमीडिएट बाद में हम रख रहे हैं क्या, अपना जो सब्जेक्ट है. इज इट वर्किंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्क प्लस आई एन जी, देन लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट. ओके नेक्स्ट इज नाउन रमन, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑब्वियसली. ओके रमन को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. सो मीन्स क्वेश्चन पूछना लेकिन नेगेटिव सेंस में पूछना. तो यहाँ पर सेम चीज अप्लाई हो रही है बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन. तो हम इसको पहले लेकर आ रहे हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो हेड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है, इमीडिएटली बाद में आ रहा है नॉट. इजंट रमन सब्जेक्ट, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐड कर रहे हैं क्या, गोइंग. सो इजंट रमन गोइंग टू द पार्टी, क्या रमन पार्टी में नहीं जा रहा है. इजंट ही गोइंग टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में नहीं जा रहा है. सो इन दिस वे वी हैव लर्न की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसका ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर है. आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें आप आई यूज कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ सिर्फ हम एम यूज करते हैं, अदरवाइज यू इज ऑल्सो एक्सेप्शनल, बट रेस्ट ऑफ द अपना वी यू आर जो है उसके साथ आप यूज कर रहे हो आर. एंड सिंगुलर सब्जेक्ट में आप जो भी आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है आई एंड यू एक्सेप्शनल उसके साथ आप यूज कर रहे हो इज, राइट. सो इन दिस वे एंड डेफिनेटली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. सो इस तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बेसिक सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो, सही तरीके से लिख सकते हो और डेफिनेटली बोल भी सकते हो जो कि सही है. सो गो थ्रू दिस, लर्न दिस एंड यूज दिस. बाय.